तो बड़ी जानकारी अब शिमला से आपको बता रहे हैं। एक्शन में दिखे सीएम सुखविंदर सिंह। बड़ी जानकारी, शिमला में पहले दिन ही 11 बड़े फैसले लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। बड़ी जानकारी, एक्शन में दिखे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नए सीएम पहले दिन में ही एक्शन में दिखे। पहले दिन ही 11 बड़े फैसले लिए। जयराम सरकार के फैसलों की समीक्षा होगी, नए संस्थान खोलने और अपग्रेड पर भी चर्चा की जाएगी। वीआईपी कल्चर पर भी सीएम सुक्खू का प्रहार देखने को मिला। मंत्री विधायकों को अब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आम आदमी की तरह ही उनको भी पूरा भुगतान करना पड़ेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं शिमला से, जहां पर एक्शन में नजर आए, एक्शन मोड में नजर आए नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। पहले दिन ही 11 बड़े फैसले लिए। जयराम सरकार के फैसलों की समीक्षा होगी, नए संस्थान खोलने और अपग्रेड पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं वीआईपी कल्चर पर भी सीएम सुक्खू का प्रहार देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि मंत्री विधायकों को अब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आम आदमी की तरह ही उनको भी पूरा भुगतान करना पड़ेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक्शन में नजर आए। देखिए, आज मैं हमने ऑफिस संभाला तो कांग्रेस पार्टी के विधायकों की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों को बैठक बुलाकर उनकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा गया और एक नीतिगत फैसला किया गया कि जो विधायकों को, जितने भी विधायक हैं, उन्होंने एक नीतिगत फैसला किया और मैं सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा हिमाचल भवन, हिमाचल सदन में जो हमारे रूम जो थे वो थोड़े कम पैसे लिए जाते थे विधायकों से और आम आदमी से ज्यादा पैसे लिए जाते थे। जिस दृष्टिकोण से हमने एक फैसला किया कि हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में या उनके परिवार, विधायकों के जो परिवार के हैं, जो आम नागरिक से पैसा लिया जाता है वही विधायकों के से लिया जाएगा, अधिकारियों से लिया जाएगा। और इसी बीच शुरू करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, बड़ी जानकारी टीवी स्क्रीन पर आपके। सत्ता संभालते ही एक्शन में दिखे सीएम सुक्खू, शिमला से बड़ी जानकारी। सत्ता संभालते ही एक्शन में नजर आए सुखविंदर सिंह सुक्खू। किन्नौर के डीसी आविद हुसैन सादिक का तबादला कर दिया। रविवार को सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आए। बड़ी जानकारी शिमला से, सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में दिखे सुखविंदर सिंह सुक्खू। 11 बड़े फैसले लिए पहले दिन ही। और इसी के साथ आपको बताएं कि किन्नौर के डीसी आविद हुसैन सादिक का तबादला किया रविवार को सीएम सुक्खू ने पद की शपथ ली और इसके बाद ही ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आए। आपको बताएं कि सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। किन्नौर के डीसी आविद हुसैन सादिक का तबादला किया रविवार को ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद फॉर्म में नजर आ रहे हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले दिन ही 11 बड़े फैसले लिए हैं और साथ ही आपको बताएं कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब किसी भी विधायक को या फिर कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, सभी आम जनता की तरह ही रहेंगे, सभी को बराबर भुगतान करना पड़ेगा। और इसी के साथ किन्नौर के डीसी आविद हुसैन सादिक का भी तबादला कर दिया है। रविवार को ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली और इसके बाद एक्शन मोड में नजर आए, लगातार कार्रवाई करते हुए नजर आए। शिमला से बड़ी जानकारी, सत्ता संभालते ही एक्शन में दिखे सुखविंदर सिंह सुक्खू।